प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी वेव जारी है, तीसरी वेव की चर्चा भी हो रही है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अक्टूबर तक तीसरी वेव देखने को मिलेगी। अगर ज्योतिष और धर्मशास्त्र की बात करें तो ग्रहण के कारण प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात, भूकंप आते हैं, कहीं ना कहीं महामारी भी इससे जुड़ा है। भारत में देखें तो ताऊते तूफान चंद्र ग्रहण के पहले आया था और 26 मई को चंद्र ग्रहण के दिन ही यास चक्रवात का कहर भी दिखा था। इस साल 4 ग्रहण पड़ने वाले हैं। इसमें 26 मई को चंद्र ग्रहण गुजर चुका है और 10 जून को सूर्य ग्रहण है। 19 नवंबर को फिर चंद्र ग्रहण और उसके बाद 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण है। ग्रहण की तरह शनि देव को भी न्याय का ग्रह माना जाता है। ज्योतिष में शनि के कारण रोग, दुख और दिक्कतों का जिक्र है। इस साल शनि जयंती 10 जून को है और इसी दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शनि को बीमारी, अस्पताल, दवा पर खर्चे, मृत्यु आदि से जोड़कर देखा जाता है। साल 2019 में गुरु और शनि का संगम हुआ, दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण का जन्म हो गया। साल 2021 की शुरुआत के बाद कोरोना के जाने की संभावना दिखी, लेकिन राहु के कारण कोरोना संक्रमण की दूसरी वेव शुरू हो गई। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शनि ग्रह 23 मई को बकरी हो गए। माना जाता है कि शनि बकरी होने के बाद कमजोर हो जाते हैं और शनि 141 दिन उल्टे चलेंगे। इस बार 10 जून को शनि जयंती भी है और इसी दिन सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। शनि के कमजोर पड़ते ही कोरोना संक्रमण के मामले कम होते जा रहे हैं, लेकिन 11 अक्टूबर से शनि मार्गी होकर 2023 तक मकर राशि में रहेंगे। शनि के मार्गी होने की तारीख 11 अक्टूबर है और इसी के आसपास भारत में कोरोना संक्रमण के थर्ड वेव की शुरुआत की बात कही जा रही है। ज्योतिष शास्त्र में दावा किया जाता है कि अक्टूबर तक भारत कोरोना से लड़ने में पूरी तरह सक्षम हो जाएगा। कहीं ना कहीं इसका इशारा वैक्सीनेशन की तरफ भी है। कोरोना से मुक्ति अप्रैल 2022 से मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर शनि ग्रह को देखें तो वह 2023 तक मकर राशि में रहेंगे और कहीं ना कहीं कोरोना का प्रभाव 2023 तक रह सकता है। यहाँ जिक्र करना जरूरी है कि भारत में ग्रहण और उसके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा अरसे से की जाती है। शनि ग्रह को भी इससे जोड़कर देखा जाता है। कई लोगों को ज्योतिष शास्त्र पर भरोसा है और कई लोगों को नहीं। इस अपडेट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।